सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। हम भाई नईम को दावत देंगे, जो तो सामने आए और तो खुदावंत की परिशिष्ट में अपना जो किरदार है वो अदा करें। जब तक नईम भाई सेटिंग कर रहे हैं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे जब तक वो सेटिंग कर रहे हैं। सभी खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। उसका वादा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। हमारा ईमान है, इतकाद है, भरोसा है कि वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे तख्त नशीन है, उसका अब्र यहाँ पे लग चुका है, उसका पाक रू यहाँ पे जुम्बश कर रहा है। मेरे अजीजो, आज जैसे हम इस इबादत में आए, वैसे ही अपने घरों को ना लौट जाए। आज हम खुदावन से कुछ ना कुछ लेकर जाए, क्योंकि वो यहां पे आपको कुछ देने के लिए मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि एलर अर्शद साहब सामने आए, वो दुआ में रहनुमाई करें। एलर अर्शद साहब दुआ में रहनुमाई करें। हम सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, हम प्रे करेंगे। जब तक वो सेटिंग कर रहे हैं, हम प्रे करेंगे। एलियो अर्शद साहब सामने आए, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें। लेट्स प्रे टुगेदर, प्लीज। लेट्स प्रे टुगेदर। मैं चाहूंगा कि भाई गैब्रियल सामने आए, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई गैब्रियल, पास्टर गैब्रियल, वो सामने आएंगे, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हेवनली फादर, वी गिव यू थैंक्स।
Heavenly Father, we give you glory because none is like you. You are our Father. Your children are gathered here to adore you, to love you, to worship you, Lord. Listen to their heart today, Lord. Touch them, Lord. Lord, they came with so many requests. Listen to them, Lord, because they know that you are the one who listened to them. Today, Lord, every heart, every mind is looking upon you. Because they know that you are our Father, you are our God. And without Jesus Christ, we cannot do anything. Hallelujah. Glory to God. Khudavan tera shukr ada karta hoon aaj ke mauka ke liye ki tune apni huzuri mein apne logon ko ikattha kiya. Hai pere khudavan meri minnat aur iltija hai ki tu bhala khudavan hai, tu shafqat karta hai apne logon se. Aaj tere log teri huzuri mein tere huzur mein aaye hain. Aaj apne logon ko hai pere khudavan तू अपने इत्मीनान से, अपने सुकून से, अपनी शादमानी से, अपनी खुशी से भरना है प्यारे खुदा. हमें तेरी जरूरत है, कल से ज्यादा हमें तेरी जरूरत है यीशु जी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्यारे खुदावंद हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीले ही नजात मिल सकती है. हमें आसमान के तले और जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जो बख्शा गया, और वो नाम यीशु है, और जिसके वसीले से नजात है. आज उस नाम के वसीले से यीशु जी आपने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरे नाम से जो चाहोगे हो जाएगा. आज तेरे लोग तेरी हजूरी में इकट्ठे हैं, तेरे नाम से मांगते हैं. आज मैं दुआ करता हूं इस घर के लिए, तेरे खादिम पास्टर दिलावर के लिए. तू इसके दिल की तड़प को जानता है प्यारे खुदावंद. ये तुझे सर्व करना चाहता है, अपना जोर बख्शना है प्यारे खुदावंद, और इसको है प्यारे खुदावंद नजात के लिए अपना वसीला बनाना. बहुत सारे लोग इस घर में आए हेलो, और है प्यारे खुदावंद हेलो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले नजात पाए. आज की सारी ही इबादत के लिए, आज की सारी शाम को है प्यारे खुदावंद तेरे पाक रूह के सुपुर्द करता है. शुरू से लेकर अख्ताम तक है प्यारे खुदा तेरा पाक रू तसल्लत करे हमारी सारी है प्यारे खुदावंद मिन्नतों को, इल्तजाओं को हमारे मांगने से पहले ही तू जानता है. तेरे कलाम में लिखा है कि तुम कहना छिड़कोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. है प्यारे खुदावंद आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जितने अभी तेरे घर में आ रहे हैं प्यारे खुदावंद उनको सलामती से अपने घर तक लेकर आना. तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन. आए हम ब्रदर नईम के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे. आमीन. तू यहोवा है. हालेलुया. यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा सभी अपने हाथों का इस्तेमाल करें. सभी मिलकर भाई के साथ गाएंगे. ये गीत नया है लेकिन पहले हम भाई को सुनेंगे फिर इनके साथ मिलकर हम गाएंगे. यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा जमी पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन
बुजुर्ग नाम तेरा जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा अपने हो ये सारी धरती तेरी है सारी हम तो साइश उस यहोवा खुदा के लिए है तेरा जिसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी इबादत कर सके हम उसकी परस्तिश कर सके बुजुर्ग नाम तेरा तेरे ही होंठों ने पैदा किया हर एक शय को तेरे ही होंठों ने पैदा किया हर एक शय को ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा मुखालिफों को दिखाइयूं अपनी कुदरत है मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा जमीन पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा बुजुर्ग नाम तेरा बुजुर्ग नाम तेरा हालेलुया मेरे अजीजो बहुत ही अच्छा भाई ने गीत गा रहे थे अगर हम बाइबल मुकद्दस का बखूब मुतालिया करें तो हम योहन्ना की अंजील में देखते हैं कि इब्तिदा में कलाम था कलाम खुदा के सभी बोलिया कलाम खुदा के मेरे अजीजों जब
कोई ना था तो यीशु था, जब कोई ना होगा तो यीशु होगा। जमाने आएंगे, बीत जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, मेरा और आपका जो आका है रबाना खुदावंद यीशु मसीह है वो अब तक कायम है, वो अजल से है। अजल उसे कहते हैं जिसका ना तो कोई शुरू है और ना कोई आखिर है। मेरे अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनकी जुबान मुबारक से ये लफाज सादर हुए, कह बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आपको खुदावन ने यह मौका दिया। बहुत से लोग कोई काम पे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन आपको खुदावन ने यह शरफ अनायत किया कि आप ये वक्त उसकी हजूरी में बता सके। आए हम लास्ट गीत सुनेंगे सिस्टर अम्बरीन से। मैं दावत करूंगा कि जल्दी जल्दी से आ जाएं। हम ये लास्ट गीत सुनेंगे। ये सिस्टर जो गज़ल गाने लगी हैं ये मेरी लिखी हुई है और मेरे जो डैड हैं उनकी कंपोजिशन है। सो इन्होंने रिकॉर्ड भी किया और बहुत जल्द क्रिसमस के बाद रिलीज करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी तशरीफ रख सकते हैं, सभी बैठे हैं। सबसे पहले मैं पास्टर दिलावर को अपनी और मेरे हस्बैंड एडविन और मेरी सारी फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ इनकी नई क्लेसिया के लिए, और हम दुआगो हैं कि खुदावन इनकी क्लेसिया को बढ़ाए और खुदावन में इनकी क्लेसिया बहुत ज़्यादा तरक्की करती जाए। गीत जो मैं गाने वाली हूँ अभी इसका नाम है झुका है सर सजदे में। जैसे आपको पास्टर दिलावर ने बताया कि ये उन्होंने लिखा है और ये बहुत जल्द रिलीज़ होगा हमारे चैनल पे एडविन एंड महरीन्स वर्शिप सर्कल पे। और मैं आप सबको इनक्रेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये खुदावन को ग्लोरी देने का काम है। आमीन। एडवन भाई अगर नहीं चल रहा तो कामरा भाई के साथ प्रैक्टिस है सिस्टर की, तो कामरा भाई को दावा दे दे। ओके ओके। हमारी बहन को खुदावंद अपने जलाल के लिए कसर से इस्तेमाल कर रहा है। ये अभी इनके दो तीन इन्होंने जबूर और गीत किए हैं और ये आपको भेजेंगे, आप खुद भी सुने और दूसरों को भी भेजे। और इन्होंने बड़े खूबसूरत गीत गाए हैं, आप दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि और लोग भी सुनकर खुदा उनके कलाम से बरकत को हासिल कर सकें। इसके बाद हमारी बहन है सिस्टर कोमल, वो गीत गाना चाहती है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सिस्टर के बाद आप रेडी रहें और जब ये ख़त्म करेंगे तो आप आ जाइए।
झुका है सर सजदे में तेरे है मेरे मसीह झुका है सर सजदे में तेरे है मेरे मसीह तूने संवारा है बिखरे हुओं को ए मेरे मसीह झुका है सर सजदे में तेरे है मेरे मसीह झुका है सर सजदे में तेरे है मेरे तू मुझ पर है मेरे मसीह
Recording in progress. लास्ट गीत होगा सिस्टर कोमल जो गाने को है, मैं लकी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए सिस्टर के साथ बजाएं, और ये लास्ट गीत होगा और इसके बाद हम अपने पास्टर्स को मौका देंगे कि वो आपके साथ खुदा उनका कलाम प्रीच करें। जोरदार तालियों में बाजी कोमल के लिए। जी रोहेल भाई, हम आपको वेलकम करते हैं। ब्रदर जेम्स, हम आपको वेलकम करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रदर सैमुअल बर्ड इधर मौजूद हैं। मैंने इन्हें दावत दी कि हम अपना चर्च शुरू कर रहे हैं, हम अपना चर्च स्टार्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चर्च में आके तपला प्ले किया करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ज़रूर मैं आपको टाइम दूँगा। भाई सैमुअल बर्ड के लिए ज़ोरदार तालियाँ, और इनकी इन सारी मोहब्बत के लिए, इन कि उन्होंने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश किया। ये और चर्च में भी जाते हैं, उधर भी करते हैं। खुदावंद सैमुअल बर्ग भाई आपको ब्लेस करे और आपको बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ये हमारे सिस्टर हैं, सिस्टर कोमल, इनके जो भाई हैं जीशान रॉबर्ट साहब, खुदा ने उन्हें बड़ा ब्लेस किया है। वो मेरे बाइबल टीचर थे पाकिस्तान में, 2006 की बात है। तो खुदा ने उन्हें बड़ा ब्लेस किया हुआ है, और हमारे लिए बड़ी बायस फ़ख्र की बात है कि सिस्टर कोमल पास्टर इसके शरो साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। खुदा ने उन्हें बहुत ब्लेस किया हुआ था, आप सभी उनसे वाकिफ़ हैं। हालेलुया, मैं चाहती हूँ सब अपनी जगहों पर खड़े होकर उसके नाम की तज़ीम करें। प्लीज स्टैंड अप। वो जो रब्बुल अफ़ाज खुदावंद है, वो जो कौमों का रब है, आज इस दिन के लिए शुक्रगुजारी करें। उसके कलाम में लिखा है कि वो दिन हजार दिनों से बेहतर है जो उसकी बारगाह में गुजारा yes, जाए yes, तो आज yes. उसकी शुक्रगुजारी के साथ अपने हाथों को उठाकर, और खुदावन यीशु के नाम से मैं तेरे खादम को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावन पास्टर दिलावर के लिए तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंदा मैं चाहती हूँ कि खुदावंद इस खिदमत में जब तू उसको लेकर आया है तो खुदा तू उसको आगे भी लेकर जाएगा, और वो बल देगा जो तूने मूसा को दिया, जो तूने दाऊद को दिया। जिस तरह दाऊद ने हर जंग को जीता खुदावंद, तू अपने खादम के साथ खड़ा रहे, और इसकी हर एक बैटल में खुदावंद तू उसके साथ खड़ा रहे, और जब तू उसकी जंग लड़ेगा तो यीशु के नाम से यह फतह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रबारा संदिलारा सिखिलेरी बीरी तिंगला मारा जारी शोर रबारा सखिलेरी बीरी तिंगला सोर। आए अपने हाथों को उठाकर उस रब्बुल अफाज की ताजीम करें, वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए। पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए। ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम में इतनी कुदरत है, ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम में इतनी कुदरत है, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम में इतनी कुदरत है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, फौजों के रब को जानते हैं। हम जिंदा खुदा को मानते हैं,
राजाओं के सभी ताली बजा सकते हैं, जानते सभी शिष्य के साथ गा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहोवा खुदा है जिसके कहने से मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते हैं, जिसके कहने से तूफान रुक जाते हैं, वो कुदरत वाला खुदा है, उसकी आवाज में कुदरत है। सभी मिलकर गाएं, शिष्य के साथ सभी मिलकर गा सकते हैं। ये सुना